मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं ना बड़े होकर गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और फिर उसके पिताजी के पास जाके कहूंगा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और वो मेरे मुंह पे ना एक ब्लैंक चेक खींच के मारेंगे कि इसमें अपनी कीमत भर लो, और मैं बोलूंगा मुझे पैसे नहीं, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, सपना मेरा वही है, लेकिन रिस्पॉन्स मेरा बदल चुका है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे पालूंगा मैं इतनी अमीर लड़की को। आप सोचो अच्छा लगता है अपनी शादी में जीजा बन के मैं अपने ही जूते छुपा रहा हूँ, खुद ही पैसे मांग रहा हूँ। ऐसी ही एक फिरंगी लड़की का हाथ मांगने पहुंच गए हमारे गौरव मोरे, और ऑब्वियसली लड़की का बाप नहीं मान रहा है। देखते हैं इस फिरंगी धड़कन में हमारे गौरव को मिलता है अपना प्यार या नहीं। प्लीज वेलकम गौरव दुबे एज अंग्रेज बाप, हिमांगी एज प्रिंसेस बेटी, एंड गौरव मोरे एज इंडियन बॉयफ्रेंड। हो माँ जी, कैसे लग रहा हूँ मैं? बहुत हैंडसम। पता नहीं ऐसी क्या बात है मुझ में कि हर खूबसूरत लड़की मेरी तरफ खींची चली आती है। ऐसी एक लड़की मेरी अंजलिना, उसे मिलने में लंदन आया हूँ। अंजलिना, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हारने नहीं दूंगा। अंजलिना, 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 क्या चीफ? अंजलिना, 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 चीफ, चीफ तुम आ गए चीफ। Oh my God, तुम आ गए जीव। हाँ मैं आ गया। अंजलिना, मैं इंडिया से लंदन चलते आया हूँ। इतनी दूर? हाँ, इतना चला कि घिस घिस के छोटा हो गया। लेकिन तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम बिना चाहता के चल के आया है। धूप माई। कितना चैन हो गया है तुम। अंजलिना, तुम कितनी जोली हो। Oh my God! तुम्हें बताया अंजलिना, तुम चांदनी चौक में आती थी, वहां मेरी मोबाइल की दुकान थी, तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब हो चुका था और तुम बनवाने के लिए मेरे पास आई थी, और तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आज भी मेरे फोन पे है। क्या बात है, वाह। चीफ, तुम मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तुम्हारी हर छोटी छोटी बात याद आई। तुमको मालूम है जब तुमको भूख लगती है तुम लोगों से खाना मांगता है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, तब लोग तुमको समोसा देता है। लेकिन वो तुम समोसा दुकान वाले को वापस बेचता है ओनली इन 20 रुपीज। उफ, तुम्हारी इन्हीं अदाओं की वजह से आई फेल इन लव विथ यू डेव। अंजलिना, तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन वही 20-20 रुपए जमा करके 40 रुपए का मैं तुम्हारे लिए पपिया लाया हूँ। पपिया? How silly! लड़की के लिए पपाया कौन लाता है? क्या बात करती हो, लेकिन मेरे बहन को तो कोई पपिया दिखा के भगा ले गया था। क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब भाई और हम लोग बहुत अमीर है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरे डैडी हमारे इस प्यार को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अंजलिना, रसगुल्ले के डिब्बे में एक बालूशाही हो ही सकती है। No, no, no. No, my love. No. तुम समझ नहीं रहे हो, माय डैड इज वेरी डेंजरस पर्सन। वो जिंदा शेर को पकड़ के उसकी पाउच से अपनी शेविंग करते हैं। तो मैं भी कम खतरनाक नहीं हो, बिना ढक्कन के मिक्सर में लाल मिर्च की चटनी बना सकता हूँ। Really? और सुनना चाहोगी? No, hold down, hold down. ये सब तो मेरे डैड के सामने बताना और इनको इम्प्रेस करना। Yes, जरूर। अभी मेरा पापा आया। मैं ला गया हूँ, तुम्हारे पापा आया। पापा नहीं आया, मेरा पापा आया। पापा आया। कुटुक, 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 कुटुक। ऐसे ही मुंह से बूझ की आवाज निकालो तो दबदबा बना रहता है। दबदबा? नहीं है। डैडी, माय डियर डैडी, लुक, कौन आया है? 1 मिनट। ना इसका तीखा दांत है, ना इसका पूंछ है, मैं कैसे मान लूं ये लंगूर है? यह तुम्हारा बाप है या पिछले जन्म का पाप है? क्या बोल रही है? मेरे डैडी है। Just shut up, daddy. What are you doing? Dad, me Dave, Dave, me Dad. He's such a good boy.
बॉय? या इसे तुम गुड बॉय कहती हो? यस डैडी। चावल की बोरी अगर धूप में रखो तो ऐसी चीजें निकल के भागती रहती हैं। बॉय। डैड, व्हाट आर यू डूइंग? ही इज आवर गेस्ट। ये इंडिया से आया है। इंडिया? यस। ओके। अब तुम इंडिया से क्या लेने आया है? तुमने हमारा यूज किया है। तुम्हारा कंट्री में जो भी कंस्ट्रक्शन है हमने कराया है। हमने रेल की पटरी बिछाई और इसने हमें भगा दिया। भगा दिया। बड़ी बड़ी इमारतें हमने बनाई और हमें दिखाने के लिए सबसे ज्यादा तुझे क्या हो गया रे? उस इमारत को दिखाने के लिए हमसे डेढ़ गुना लगान वसूल करता है। अब पड़ गई ना तुमको हमारी जरूरत? क्या बात कर रहे हो? तुम लोग हमें लूटने आए थे। मतलब हमने लूटा? हाँ। इसका मतलब मेरे पूर्वज ने सिर्फ अपने साइड की कहानी बताई ताकि मैं उनके रिस्पेक्ट करता रहूं। झूठे थे तुम्हारे पूर्वज। कौन से झूठे थे? ये वाले झूठे कि ये वाले झूठे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के झूठे बोलने की? पता है कितने बहादुर थे वो? He's talking about my porridge. Porridge. Disgusting. ये मेरे दादाजी, इनके काटने की वजह से भारे कुत्ते मर गए थे। डैडी। सॉरी उल्टा बोल दिया। बारह कुत्तों के काटने की वजह से तब ये मरे थे। और ये मेरे दूसरे दादाजी, ये बहुत बड़े शिकारी थे। पर दादा का ये तो शेर है। वो पेट के अंदर है। ये रोज शिकार करते थे, एक दिन शेर ने इनका शिकार कर दिया। मेरे सबसे फेवरेट दादाजी जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। काफी जवान है। क्यों ना, हम खाते पीते घर के हैं, जवान रहेंगे मेरे प्यारे। खिड़की से कौन जाग रहा है? बगीचे से हट, चकली कर इधर से। वही मैं सोचूं, रोज मैं इनको वाइन चढ़ाता हूँ, ये कैसे पी जाता है? डैडी, कम हियर। यस। डेव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। नहीं। डैडी, डैडी क्या हुआ आपको? आपको अटैक आया? इनको अटैक आया? डैडी, डैडी आपको अटैक आया? नहीं, मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको पीछे थप्पड़ मारूंगा इसको। इधर से। डैडी। मैंने तो सुना था अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बेटे का बॉयफ्रेंड कौन है इससे। आ तो अमृतपुरी से भी ज्यादा नखरे करने लगा है। डैडी, अगर मेरी शादी डेव के साथ नहीं हुई तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करेगी। क्या चल रहा है? ये मेरा प्यार है, मुझे इसे शादी करने, मुझे जाने दो। डैडी, मुझे जाने दो। तुम्हें पाल पोस की बड़ा किया है। मेरी इकलौती बेटी हो तुम। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ चिरकुंडे। जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से कूद के भाग जाता है। वो भागता नहीं, वो चुपके से देखता है। जैसे ही गरीबी भाग जाती है फिर लाइट बंद करके प्यार वापस शुरू हो जाता है। बस मेरी एक बात पीछे हट जा बच्ची। डैडी, आई एम योर डॉटर। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। चढ़ गया ऊपर रे, अचरिया पे लोचन कबूतर रे। गुचर 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 गुचर, समझे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.